हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द नोड जेएस एक्सप्रेस इन हिंदी। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको टेम्पलेट इंजन एंड रेंडरिंग व्यूज इन एक्सप्रेस। पिछली बार मैंने इसी टॉपिक के रिगार्डिंग ईजीएस पे बात की थी, आज मैं पीयूजी के बारे में बात करूंगा, पग फाइल के बारे में। ठीक है, ये भी एक टेम्पलेट इंजन ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पैकेज को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो पग की जो इंस्टॉलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा ईजीएस के ही हैं। ठीक है, और इसका पहले रीनेम फ्रॉम द जेड, पहले इसका नाम जेड था, अब इसको हमने क्या कर दिया है, पीयूजी कर दिया है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला व्यू इंजन क्या करूँगा मैं, सेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये वाला व्यू इंजन क्या है, पीयूजी वाला सेट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया था पिछले ट्यूटोरियल में, डायनेमिक डेटा टाइटल और द मैसेज। ठीक है, अब मैंने इंडेक्स पर रेंडर करना है। अब ये सेम रहेगा, लेकिन जो टेम्पलेट इंजन का नाम है, जो ये वाली फाइल है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डॉट पीयूजी एक्सटेंशन से क्या होगी, वो फाइल हमारी बनेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी इंडेक्स डॉट ईजीएस है फाइल, वहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, एक नई रीनेम कर दूंगा और एक नई फाइल बनाऊँगा पीयूजी वाली। जी, उसका सिंटेक्स ईयूजी था, इसका सिंटेक्स क्या है, पीयूजी वाली। ठीक है, पग फाइल बन गई है। तो पग फाइल हमें क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो कोड मैंने लिखा हुआ है, तो ये रहा कोड, ये सेम टू सेम एज इट इज़ के एज इट इज़ रेंडर कर देगा आपकी, जो ये है ना एचटीएमएल। सिंपल क्या लिखा मैंने, एचटीएमएल में आता है हेड, हेड के बाद टाइटल, फिर बॉडी, फिर एच1 मैसेज। ठीक है, अब सेव करेंगे और रिस्टार्ट करेंगे अपने सर्वर को, npm start। ठीक है, और मैं जाके चेक करूँगा अपने पैकेज कहाँ पर है, ये रहा एक्सप्रेस। ठीक है, सेम चीज़ है, वेलकम टू एक्सप्रेस, कोई फ़र्क नहीं आया, और HTML सेम टू सेम रेंडर होगी। अगर देखोगे तो बॉडी H1, ठीक है, हेड सेम, वही सेम चीज़ हैंडल्स हुई हैं यहाँ। अगर आपको लगता है कि मैंने वही चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेलकम टू JS हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, सर्वर स्टार्ट। ठीक है, देख सकते हो डायनेमिकली क्या हो गया, रेंडर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसके प्रॉपर सिंटेक्स होते हैं। अगर आपने प्रॉपर इधर से उधर आपका ये टैपिंग और स्पेसिंग भी फ़र्क पड़ता है तो ये हिल जाता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना पड़ता है हमें हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पीयूजी फाइल को, टेम्पलेट इंजन को इंटीग्रेट करते हैं हमारे एक्सप्रेस जेएस वाले प्लेटफॉर्म पे। अगर कोई इसमें इश्यू है, कोई डाउट है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।